बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। बहुत अच्छा गाया आपने चेतन जी, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट के पास कुछ स्पेशल है आपके करने के लिए। अलका जी एक न्यूज़पेपर जरा मंगवा दीजिए प्लीज, ये चेतन को दे दीजिए आप। चेतन, किशोरदा की ये खासियत थी कि वो न्यूज़पेपर भी जब पढ़ते थे तो उसको सुरों में ढाल के पढ़ते थे, तो अगर आपको भी कहा जाए कि आप भी सुरों में ढाल कर शब्दों को न्यूज़पेपर पढ़िए तो उसकी एक मिसाल। खबरें सुना दीजिए हमें बस। हर खबर सुरीला। अरे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में 12वीं के छात्र चंदन ने टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट की लकड़ियां कार नैनो के मुकाबले फर्राटे भरने के लिए 25,000 रुपए में कीमत वाली फ्रेम बना डाली है। और हमारे तीन स्टीम जजेस, अमित जी आपसे शुरू करते हैं। मुझे क्या फील हुआ कि द लिल्ट वॉज मिसिंग इन योर वॉइस, और एक जो मिल के गाना होता है ना, मिला के जिसको मीड कहते हैं, वो ऐसा आपने किया नहीं। मतलब कि गाना एक होता ना फील करके एकदम इत्मीनान से, आपने बहुत जोर से गाया, ऐसा लगा सोल्जर गा रहा है, वो ऐसा मुझे फील हुआ। अमित जी हम एक डेफिनेटली इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई विल डेफिनेटली कीप इट इन माइंड, डेफिनेटली। ये हर हाल में खुश है। जो आज किशोरदा का मंच पर हम लोग चाहते हैं जो वेरिएशन का जो एक अजीब से थे, जैसा जैसा गाना होता था ऐसे ही चेंज करते थे मॉड्यूलेशन, वो मिसिंग लगा, लेकिन आपने अच्छा गाया, सुर में गाया। थैंक यू, आगे और अच्छा गाई। थैंक यू, थैंक यू। पिछले हफ्ते का जो चेन था जाते में वापस ले रहे कि नहीं? नहीं, वो बहुत अच्छा गाया था, वापस नहीं ले रहे ना? नहीं नहीं, नहीं। चेतन कंफर्म, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली अगर वो चेन सनुदा अगर मांगेंगे तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि एक उनकी तरफ से एक दिया हुआ प्यार का तोहफा है, मैं उसको हमेशा ट्रेजर करना चाहूंगा। लो, और पपीता कह रहे थे कि सोने की चेन। पपीता अभी कोई फायदा नहीं है बोल के, अच्छा बोले बुरा बोले कोई फायदा नहीं होगा। देखिए चेतन, ये जो गाना था मेरी भीगी भीगी सी, उस खबर में दर्द भी था गुस्सा भी था, तो हर लाइन में वो एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, वहाँ आप थोड़ा सा कम पड़ गए कि गाना अपने, और इस सूट में आप लग भी रहे पार्टी में, संजीव कुमार घूम रहा है ऐसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, शशि कपूर पर फिल्माया और दादा का गाया ये गाना, जब से हमारे इस बांगड़ू ने सुना है तब से इसी गाने को जीवन सार मानकर चल रहे हैं। शर्मिली से अपने फेवरेट शशि कपूर पर फिल्माया गाना लिए आ रहे हैं बांगड़ू टीम से क्षितिज वा। हरगिज़ न थे, अरे मैं तेरा तू मैं। hmm,
अपना खेला दिखा दिया अमित दा। हाँ क्षितिज जी, हमें क्या है कि ये जो कंपोजिशन है ना सचिन देव बर्मन का, बहुत भारी कंपोजिशन है, हैवी वेट कंपोजिशन आपने चुना, और आपने गाया ठीक है, अच्छा गाया आपने, गा दिया, लेकिन चार पांच जगह आप थोड़ा सा हिले, ऐसे ऐसे गए, अब वर्डिंग में वो ख्याल आपको रखना चाहिए था। ये इजी गाना नहीं है, मतलब अगर मैं भी गाऊँ तो बहुत सोच समझ के गाऊँगा, या तो गाऊँगा ही नहीं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा क्या है, रूह जो आत्मा कम था सिंगिंग में, जो और बहुत अच्छा गा सकते थे, लेकिन वो ठीक ठीक मज़ा नहीं आया। आगे से देखिए। अच्छा, थैंक यू भाभी। सुदेश जी, ये गाना थोड़ा सा मुझे रूखा रूखा लगा, मतलब ऐसा लगा रेगिस्तान वाला ज़्यादा लगा, मतलब बर्फ़ वाला कम लगा, मतलब उसमें हार्श लगा थोड़ा सा, थोड़ा रोमांस और रोमांस की और ज़रूरत थी। गाते वक्त सोच लीजिए, आपको पूरा हक है कि आप किशोरदा हैं, ये सोच के गाइए, ये सोच के गाते तो शायद गाना 100% होता, लेकिन आपने अच्छा निभाया। टिप्स को मैं मद्देनजर रखते हुए जी कोशिश करूँगा।